घरौनी ओपी क्षेत्र के अपांडे बेरा जोरिया नदी के समीप गुरुवार की देर शाम झरिया अंचल अधिकारी रमेश कुशवाहा ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध कोयला के कारोबार का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान लगभग 30 टन कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयले को बीसीसीएल सुपुर्द कर दिया गया। इस छापेमारी में घरौनी ओपी प्रभारी भी मौजूद थे। सीओ की छापेमारी की भनक लगते ही कोयला तस्कर भाग निकले। हालांकि इस मामले में किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। झरियांचल अधिकारी रमेश कुशवाहा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। घनौनी पुलिस द्वारा अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक जोरिया नदी के पास अवैध कोयला तस्कर कोयला को जमा कर दूसरे स्थान में भंडारण करते हैं और रात के अंधेरे में ट्रक के माध्यम से अवैध भट्टे में भेजा जाता है। झरिया से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। सूचना मिली थी सर, ये सूचना मिली थी कि इस इलाके में कोयला का अवैध भंडारण और परिवहन और माइनिंग किया जा रहा है, तो उसी को जांच करने के लिए हम लोग आए थे। जांच में पाया गया कि यहाँ पर कोयला का भंडारण है, लगभग एक ट्रक के आसपास या उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, इतना कोयला है। बीसीसीएल और संबंधित थाना धनवाड़ी ओपी प्रभारी हैं, दोनों को हैंड ओवर करके और दोनों को निर्देश दिया जा रहा है कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उस पर नेम्ड नामजद प्राथमिकी दर्ज करेंगे और कोयला को अपने सुरक्षा में अच्छा मिले। सर कितना माल होगा कोयला? लगभग एक ट्रक के आसपास या उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है जी। ये कौन सा थाना क्षेत्र में? धनवाड़ी है, धनवाड़ी। अब दोनों बॉर्डरिंग इलाका है, बॉर्डरिंग इलाका है धनवाड़ी लोधना में, लेकिन धनवाड़ी अभी प्रभारी आश्वस्त किए कि हम इस पर केस करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।